हे गाइस वेलकम टू द लव इन लाइट थ्री सिक्स नाइन है कैसे आप सभी आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे सो गाइस देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस वक्त राइट नाउ सो चेक कर लेते हैं देखते हैं क्या आता है रीडिंग में ओके सो वी पॉजिटिव गाइज देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं अभी करंट की क्या एनर्जीज़ चल रही हैं आपके पार्टनर की ओके फर्स्ट कार्ड जस्टिस का है यहाँ पर ऑल राइट जस्टिस का कार्ड बैलेंस के बारे में बात करता है जस्टिस का कार्ड न्याय के बारे में बात करता है जस्टिस का कार्ड कर्मा के बारे में बात करता है uh, हो सकता है जिनसे आप डील करें लिब्रा हो, लिब हो तुला राशि के हो, ठीक है ऐसा भी हो सकता है फोर ऑफ स्व क्वीन ऑफ स्वाट्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स All right, और राइट और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर जैमना लिब्रा इक्वेरियस है मिथुन राशि तुला राशि कुंभ राशि तो और इस वर्गो कैप्रिकॉन है वृषभ राशि कन्या राशि और मकर राशि ठीक है ये राशियाँ भी हैं यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स टेन ऑफ कप्स थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है सी सेवन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं कर्क राशि मीन राशि और वृशिक राशि पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑन द से हैं और राइट तो ये कुछ कार्ड्स निकले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ओके सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गाइज कि uh, देखो Uh, आपकी पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कुछ लोगों के लिए ये है कि ऑलरेडी मैरिड है ठीक है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मदर इशूज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ओके okay? तो ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है सो so, देखो आपके जो पार्टनर है ना सो so, देखो आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में वो जस्टिस चाहते हैं ठीक है थीके? वो वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते में आई फील कि uh, या तो ये मैरिड है या फिर कुछ भी आप दोनों के बीच में ऐसा हो जिसके बाद में आप बहुत ज़्यादा चेंज हुए हो आपने कहीं ना कहीं आप ना बहुत तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो ठीक है आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप कहीं ना कहीं इनको भाव नहीं दे रहे आप इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे आप इनको इतनी अटेंशन नहीं दे रहे जितनी आप पहले देते थे और ये जो आपका बदला हुआ बिहेवियर है जो आप में चेंजेस है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत तो ज़्यादा परेशान करते हैं और उनको ये फील होता है कि आप इतना कभी बदलते नहीं अगर वो ठीक से रिलेशनशिप के लिए काम करते तो ठीक है हो सकता है अब मदर इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपसे आपके साथ रहना आपके साथ शादी करना ठीक है सब कुछ ये चाहते थे और चाहते भी हैं बट यहाँ पर उनकी मदर नहीं मान रही या फिर कोई ना उनकी सिस्टर भी हो सकते बट कोई फीमेल फिगर है जो नहीं मान रही जिसकी वजह से ना ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए और जब ये इन्होंने आपको मना किया तो आई फील कि आ, आप भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए हो आपने भी कहीं ना कहीं ये कहा कि देखो आना है मेरी लाइफ में तो एवरी टाइम पास के लिए नहीं अगर कोई कमिटमेंट है तो ठीक है अदरवाइज़ हमें यही ख़त्म करनी चाहिए सारी चीज़ें कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी एनर्जी ऐसी रही है आपने शायद ऐसा रूडली उनको बोला है या फिर स्ट्रिक्टली उनको बोली है ये बात तो उनको ये ना बहुत ज़्यादा परेशान है हेल्पलेस सी एनर्जी है कंफ्यूज है इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें क्योंकि इनकी फ़ैमिली आई थिंक ये नहीं मानती इनकी मदर या फिर बहुत ज़्यादा यू नो डोमिनेटिंग है इनकी मदर हो सिस्टर हो या फिर उनका प्रभाव ज़्यादा है इनके ऊपर उनकी बातें ये ज़्यादा सुनते हैं या फिर इनको सुननी पड़ती है ठीक है ऐसा भी हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है मान लीजिए आप सिंगल हो आपके पार्टनर जो हैं वो मैरिड है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो भी थर्ड पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है ठीक है वो अपनी चलाता है अपने तरीके से ही चीज़ों को देखना चाहता है अगर थोड़ी भी काम उसके जैसा नहीं होता है उससे अलग हट करके या फिर खुद से कोई काम कर लिया उससे बिना पूछे कोई काम कर लिया तो वहीं पे फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं ठीक है वहीं पर फिर वो आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं बैठती इनमें फिट अगर ऐसा कोई है तो इस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है ठीक है थोड़े कन्फ्यूज़ भी हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये चाहते कुछ और रिश्ता था कोई और चीज़ें इन्होंने सोची थी अपने लिए बट इनको मिला कुछ और ठीक है उस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है अगर ये मैरिड नहीं है आप मैरिड नहीं हो कोई भी मैरिड नहीं है सिंगल मतलब कि आप दोनों भी सेपरेशन में हो तो देखो आपके पार्टनर ना बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं खुद से जो भी गलतियाँ हुई इनसे पहले उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं प्रे भी बहुत करते हैं इनकी एनर्जी कुछ ऐसी भी है कि इन्होंने सरेंडर भी किया हुआ है ठीक है बट स्टिल कि ये चाहते हैं इस रिश्ते में काम करना ठीक है बट फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आई है मे बी आप दोनों वर्क प्लेस पर मिले हो कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ आप काम करते थे वहाँ मिले हो इनसे ठीक है या फिर जो भी थर्ड पर्सन आप रिश रिष्ट, आपके रिश्ते में है वो हो सकता है आपके फ्रेंड में से ही हो कोई ये भी हो सकता है बट ओवरऑल यहाँ पर करंट एनर्जी यही निकल के आई है कि परेशान है ठीक है वर्क करना चाहते हैं जस्टिस चाहते हैं माफ़ी मांग रहे हैं अपने पास्ट के लिए सरेंडर कर दिया रिलेशनशिप को थोड़े से कंफ्यूज हैं किसी क्लियरिटी में नहीं है कोई क्लियरिटी इनके पास नहीं है अदरवाइज तो फीलिंग्स भी है ठीक है और आपके लिए इमोशंस भी है फीलिंग्स भी है बट कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये कन्फ्यूज रहते हैं और अभी भी करंट की एनर्जी यही आई है कि ये कन्फ्यूज़न में है गाइज ठीक है ये कंफ्यूजन में है यहां पर ये चीज क्लियरली पता चल रहा है ओके okay, और देख लेते हैं अगर हमें कुछ और पता चलता है तो लेट्स सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं ये ठीक है बहुत ज्यादा मिस करते हैं और देखिए you ना know, आपके आपकी कुछ ऐसी बातें रही हैं जिनको सोच सोच करके कभी कभी मुस्कुरा देते हैं मतलब जब चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना इनकी करेंटली एनर्जी कुछ इस तरीके की, की है हाल फिलहाल में कुछ ऐसा ही ये फील कर पा रहे हैं जो भी आपके साथ वक्त बिताया या जो भी टाइम स्पेंड किया अपने साथ में जो भी जितनी भी बातें की उनको सोच सोच करके ना ये खुद में ही खुश होते रहते हैं ब्लश करते रहते हैं आपकी बातों को याद कर करके ठीक है तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पहली एनर्जी यहाँ पर यही निकल करके आई है हर मिट काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो ठीक है और ये चाहते हैं सारी चीज़ें क्लियर करना काफ़ी अकेला ये महसूस कर रहे हैं हो सकते हैं बहुत ज़्यादा मिच्योर हैं ये बट मच्योर हैं समझदार है बट उसके बावजूद भी कन्फ्यूज़ हैं तो कोई बड़ा ही रीज़न है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़ है जिसकी वजह से स्टक हैं ये ठीक है और खुश नहीं है बिल्कुल भी एट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर खुश नहीं है बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा उदास है आपके बिना ठीक है आ, इनको एक बात का डर है गाइस कि एक तो इनके दिमाग में ये चीज़ है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो फिर इन्हें कुछ लोग हैं जिन्हें हर्ट करना पड़ेगा अगर ये उनकी तरफ मतलब अपनी फ़ैमिली की तरफ जाते हैं तो आपको हर्ट करना पड़ेगा ये बीच में फंस गया इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करे ठीक है ये आपकी तरफ आते हैं बट इनकी फैमिली इनको कुछ ऐसा बोलती है जिसकी वजह से फिर ये आपको ना चाहते हुए भी फिर ये आपसे मूव ऑन करके उनको उधर जाना ही पड़ता है ये जा कर के माफ़ी मांगते हैं कि ठीक है मेरी गलती है मैंने आ, मतलब कुछ ना कुछ इमोशनल चीज़ें होती हैं इनके साथ या आपकी तरफ जैसे आने की कोशिश करते तो इनकी फैमिली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ऐसी शर्त इनके सामने रखती है कि फिर ये फिर वो वापस से मुड़ जाते हैं और फिर परेशान होकर के चले जाते हैं ठीक है आप जैसा कहोगे वैसा होगा और ऐसी एनर्जी इनकी लग रही है मुझे ओके okay. स्टार आप इनकी कहीं ना कहीं विश हो आप कहीं ना कहीं इनकी होप हो आप उम्मीद हो इनकी ठीक है और बट ये चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में ये बैलेंस चाहते हैं आप जैसे इनको पार्टनर चाहिए वैसे आप हो फीलिंग्स हैं इमोशंस हैं बट ये बंदा ना किसी चीज़ से बंधा हुआ है इसको किसी चीज़ से बांधा हुआ है लाइक like, uh, कुछ शर्तें हैं या फिर कुछ भी uh, इनकी फैमिली ने कुछ तो ऐसा करके इनको रोका हुआ है ठीक है कुछ भी हो सकता है बट कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से फिर इनको रुकना पड़ता है आपकी तरफ आते हुए बट यहाँ पर यही है कि आपको बहुत मिस करते हैं और uh, आप कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट हो ठीक है ये भी क्लियरली पता चल रहा है समटाइम्स ये आपसे बहुत बारी झूठ भी बोलते होंगे बहुत बारी आपको बहाने बनाते होंगे झूठ और बहाने बनाने का कारण ये है कि जो सच है ना वो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं ठीक है थीके? जो सच है जो इन पर बीत रही है वो चीज़ कहीं ना कहीं बता नहीं पा रहे इस वजह से इनको बहाने बनाने पड़ते हैं इस वजह से इनको इग्नोर करना पड़ता है आपको झूठ बोलना पड़ता है ठीक है ये भी रीज़न्स हैं यहाँ पर कुछ इनके इस तरीके के बिहेवियर की वजह से आप बदलते जा रहे हो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का भी लग रहा है कि इनके ऐसे बिहेवियर की वजह से आप में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आए हैं तो ये ऐसी एनर्जी यहाँ पर है ओके okay. मेजरली क्या चल रहा है इनके दिमाग में हम एक बार ये देख लेते हैं ठीक है द वर्ल्ड गाइस आप दोनों के बीच में कोई ना कोई साइकिल है ठीक है इसको एंड होना पड़ेगा और आप जितना अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे ना उतना जल्दी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे ये जो भी तकलीफ़ें हैं ना ये कोई ना कोई साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में ये जब तक एंड नहीं होगा ना तब तक यही सिचुएशन रहने वाली है ठीक है आ, जैसे ही साइकिल एंड होता है वैसे ये आपके पार्टनर को भी क्लियरिटी मिलेगी आपको भी क्लियरिटी मिलेगी बट जब तक ये साइकिल है ना तब तक कुछ नहीं कर सकती हम सिवाय मैनिफेस्टेशन के कि सब कुछ अच्छा हो इसी को लेकर के मैनिफेस्ट करें और पॉजिटिव रहे क्योंकि एक साइकिल है इसमें जो होना होगा वो तो हो करके रहेगा ठीक है बट अगर हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखते हैं तो हमारी लाइफ ना वो उस टाइम से ना इजिली निकल जाती है ठीक है अभी आपके पार्टनर की लाइफ में भी टफ टाइम चल रहा है आपकी टाइम आपकी लाइफ में भी टफ टाइम चल रहा है ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं कि किसी डिसीज़न पे नहीं और आपके पार्टनर भी किसी डिसीज़न पे नहीं है तो वहाँ पर बस एक ही चीज़ काम करेगी कि आप मैनिफेस्ट करो अपने लिए खुशियाँ जब आप अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी मैनिफेस्ट होंगे ठीक है तो बस यहाँ पर यही आपको करने की ज़रूरत है क्योंकि ये कन्फ्यूज़ है ना इनकी हालत ना ऐसी है कि ना तो ये आपकी तरफ आ आप तो ये आपको खुश रख पा रहे ना इनकी फैमिली खुश रह पा रही ठीक है ऐसा हो रहा है इनके साथ इनकी फैमिली इनको लगता है कि मैं अगर उनकी तरफ जाऊंगा या जाऊंगी तो वो खुश रहेंगे बट वो तब भी इनसे खुश नहीं है ठीक है और या आपकी तरफ आते तो फिर तो रुकावट बनते ही बनते हैं वो बीच में ये भी एक इशू है यहाँ पर लुक एट द बिगर पिक्चर जो बड़ी पिक्चर है ना वो देखने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पर पूरी पिक्चर देखिए इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी यस जैसे मैंने बोला ना आपको पॉजिटिव रहना है तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इस टाइम पे नेगेटिविटी को रिलीज़ करो और बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करो ठीक है बड़ी पिक्चर क्या है आपके रिलेशनशिप की यू नो लाइक जैसे मैंने बोला कि एक साइकिल है ठीक है तो समझो इस बात को कि एक साइकिल है और इसको किस तरीके से हमें डील करना है यहाँ पर हमें एनर्जीज़ बैलेंस करनी है और नेगेटिव थाट्स और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है ठीक है तो ये बहुत इजीली ये टाइम निकल जाएगा और जैसे ये साइकिल एंड होता है फिर न्यू बिगनिंग है गाइस और न्यू बिगनिंग आपको पता है ए एसिस के कार्ड से होती है हमारी एस ऑफ कप एस ऑफ पेंटिकल और ये एस ऑफ स्व एस ऑफ वन ये होती है न्यू बिगनिंग एसिस के कार्ड जो होते हैं और एसिस के कार्ड जो है ना नंबर वन बताते हैं नंबर वन किसका होता है सन का तो वो अबेंस आपकी लाइफ में आती है फिर जब न्यू बिगनिंग होती है तो जब तक ये साइकिल एंड नहीं होता तो तब तक मैनिफेस्ट करें आप ठीक है आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है तो मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बोला जा रहा है एक कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है और भी हम देख लेते हैं एक ये एक ये, और एक वाट ऑन द टैक्सी कार्ड है वेट ओके okay? वेट करने के लिए कहा जा रहा है नो नीड टू वरी चिंता मत करो गाइस मेडिटेशन करो जो भी आंसर्स चाहिए जो भी है उसे उसके लिए मेडिटेशन करो अबंडेंस देखो अबंडेंस है आपकी लाइफ में आपको डेफिनेटली मिलेगी जो यूनिवर्स की तरफ से साइन दिए जा रहे हैं उनके ऊपर फोकस करो और मेडिटेशन करो और चिंता मत करो ठीक है वेट करो आ, ये साइकिल कंप्लीट होने का यहाँ पर वेट का कार्ड था ना तो ये यही बोल रहा है कि साइकिल कंप्लीट होने का वेट करो और यहाँ पर है नॉट द राइट टाइम ये अभी सही समय नहीं है क्योंकि अभी एक साइकिल चल रहा है ये और इस साइकिल में जितना आप मैनिफेस्ट करते हो खुश रहते हो और मेडिटेशन करते हो उतना अच्छा रहेगा ठीक है तो इंतज़ार करो ये साइकिल एंड होने का मेडिटेशन करो यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे साइन पे फोकस करो और चिंता मत करो बस ठीक है यहाँ पर यही है आपके लिए सो यू सो मच गाइज ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग आई होप आपसे रेजोनेट की हो आई होप आपको पसंद आई हो आपसे रेजोनेट की आपको पसंद आई आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में तब तक अपना ख्याल रखें बब बाय